हर हर महादेव, जय माता दी, जय भारत माता की। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों यूट्यूब पर पहली बार मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ यंत्र सिद्धि की सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन और सबसे ओरिजिनल किताब। दोस्तों काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, टाइम नहीं मिल पा रहा था मेरे को, तो किसी तरह से आज मैं डाल रहा हूँ वीडियो, आज मैं शूट कर रहा हूँ। तो दोस्तों एक बात और बता दूं कि लास्ट तक बने रहिए, आप लोगों को लास्ट में एक चीज़ मैं दिखाऊंगा जो आप लोगों ने कभी नहीं देखने को मिलेगी, ना कभी आपने देखी होगी ना देखने को मिलेगी इसी मोबाइल पर, इसी वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको। तो लास्ट तक बने रहिए, लास्ट तक देखिए और किताब में चल के देखते हैं इसमें कि इस किताब में क्या क्या दिया गया है। और किसी को अगर किताब चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस नंबर पर मैसेज करें, कॉल कर किताब मिल जाएगी। दोस्तों एक बात और बता दूं कि किताब पीडीएफ में मिलेगी, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर मैं भेजूंगा, और कागज़ में किताब नहीं मिलेगी। क्योंकि बहुत लोग कॉल करते हैं, बोलते हैं कागज़ में भेज दो, पोस्ट ऑफिस से पोस्ट करवा दो, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं किसी को पोस्ट करवा पाऊँ कागज़ वाली किताब। किसी तरह से टाइम निकाल करके मैं ऐसे ही बना करके ऐसे ही डालता हूँ और पीडीएफ में भेज देता हूँ। ऐसे कागज़ वाली किताब तो जल्दी ख़राब भी हो जाती है, और ये वाली कभी ख़राब भी नहीं होगी, आजीवन पड़ी रहेगी आपके मोबाइल में। और इसे गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दो, अगर मोबाइल खो भी जाती है तो भी दूसरे मोबाइल में आप लोग उसे मंगा करके पढ़ सकते हैं, सिर्फ पासवर्ड याद रहना चाहिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कि इस किताब में क्या क्या दिया गया है, पढ़ करके बता देता हूँ कौन कौन सा यंत्र दिया गया है। यहाँ पर तो विधि विधान दिए गए हैं, मतलब इसका यंत्र के बारे में दिया गया है, वार मास विधि विधान, समय टाइम निकालने का, नक्षत्र का, योगिनी का, चंद्रमा का विचार, मतलब ये सारी चीज़ें, आसन वसन जगह और समय सब निकाल करके इस मतलब यंत्र साधना की जाती है ना, तो वहाँ पे दिया गया है, इसको नहीं पढ़ूँगा मैं। यहाँ पर दिशा भेद, लिंग भेद, कलश स्थापना विधि, हवन मुद्रा माला निर्णय, यंत्र साधना की विधि, त्रिलों की व्याख्या दिया गया है, इनका विधि विधान दिया गया है स्टार्टिंग में, तैयारी सामग्री वगैरह यहाँ से यंत्र स्टार्ट होता है। वशीकरण का है, कामराज यंत्रम, मदन मर्दन यंत्रम, कामाक्ष यंत्रम, ललिता यंत्रम, सौभाग्यवर्धक यंत्रम, गणपति यंत्रम, राजो वशीकरण का भी संपूर्ण मंत्र यंत्रम। इसके बाद राजा मोहन दुष्ट मुख स्तंभन वशीकरण, सर्ववशीकरण, दिव्य स्तंभन, मायामय यंत्रम, पिशाची यंत्रम, दुष्ट मोहन यंत्रम, कंटक यंत्रम, कालनल यंत्रम, उच्छिष्ट पिशाच यंत्रम, जगदवश्यकर यंत्रम, जनवंश्यकर यंत्रम, महामोहन यंत्रम, सौभाग्यकारक महा सौभाग्यजन विजय यंत्रम, कमालाख्य यंत्रम, और क्रोध समन जामदग्न्य यंत्रम, महामृत्युंजय यंत्रम, दूसरा में है आकर्षण, तीसरे में आकर्षण यंत्रम, कामराज यंत्रम, मणिभद्र यंत्रम, देवात्मित्रिक देवमात्रिक यंत्रम, ये सब आकर्षण का है। और उसके बाद शत्रुमुख स्तंभन यंत्रम, गतिमति स्तंभ, जिह्वा भेदन यंत्रम, स्तंभन का यंत्र सब दिया गया है यहाँ पे, वाणी स्तंभन, ईशून मुद्रण यंत्रम, प्रियजन यात्रा स्तंभन, हर प्रकार का स्तंभन यंत्र दिया गया है। और दोस्तों एक बात और बता दूं कि लोग बोलते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है, किताब के द्वारा आदमी साधना नहीं कर सकता है, तो दोस्तों ये बात ठीक है, लेकिन आदमी पूरी बात नहीं जान पाता है कि ये बात नई किताबों के लिए है, जो नई नई किताबें हैं उसमें विधि विधान पूरा नहीं रहता है, तो विधि विधान पूरा नहीं होने की वजह से आदमी अकेले साधना करता है तो मतलब उसका नुकसान हो जाता है। लेकिन मैं वही किताब डालता हूँ जो पुरानी प्राचीन किताबें रहती हैं जिसमें पूरे विधि विधान होता है, तो इसके साथ वो चीज़ नहीं होती है। अगर किसी के अंदर थोड़ी सी भी शक्ति है तो वो सिर्फ इस किताब के द्वारा ही सारी साधनाएं, सारे यंत्र सिद्ध कर सकता है, वो सारे काम अपना कर सकता है।
भक्तियों की विधि विधान पूरा मिलेंगे इस किताब में आपको। बाकी वैसा किताब तो मैं डालता ही नहीं हूँ, मेरे पास लाखों किताबें हैं। और यहाँ पर विद्वेषण का है, बंधु विद्वेषण, शत्रु विद्वेषण, स्वामी भृत्य विद्वेषण, नारी विद्वेषण, विश्व विद्वेषण, इन्हें यहाँ मारण का स्टार्ट हो जाता है। शत्रु मारण, शत्रु प्राणनाशक, देशांतरस्थ, शत्रु मारण मतलब जो शत्रु मारण दूसरे देश गया हो, बहुत वो ना मिल पाता हो, सामने ना पड़ता हो, तो उसे दूर से लोग पहले मार देते थे, दूर से मूठ चला देते थे, वो यंत्र है। इसमें इसका मंत्र विधि विधान सब आपको किताब के अंदर मिलेगा। न नारी मारण यंत्रम सर्वजन मारण यंत्र में यहाँ पे उच्चाटन स्टार्ट हो जाता है। शत्रु उच्चाटन, शत्रु परम उच्चाटन, सर्वजन उच्चाटन, शत्रु उच्चाटन, स्त्री उच्चाटन, त्रैलोक्य उच्चाटन, परम उच्चाटन, फिर यहाँ पे शांतिकरण यंत्रम, बाल ज्वर नाशक यंत्रम, ज्वलन रक्षा यंत्रम, त्रिपुर भैरव यंत्रम, भूतासन डाकनी आसन यंत्रम, ज्वन शमन यंत्रम। इसके बाद यहाँ पे एकांतर ज्वर शमन यंत्रम, ज्वर नाशक यंत्रम, भूत तृतीय ज्वर नाशन यंत्र, गर्भ रक्षा यंत्रम, सुख प्रसवकर यंत्रम, वंद्य गर्भधारण यंत्रम, मृत वत्सा दोष शांति यंत्रम, महारक्षा शांति पौष्टिक यंत्रम, सर्पभत्य यंत्रम, सर्पादि नाशक यंत्रम, सर्वस्तंभन यंत्रम, पुष्ट तत्व मोचन यंत्रम, दूत विजय का प्रश्न यंत्रम, मोक्षकरण यंत्र, बंदी मोचन यंत्रम, बंदी मोक्षण यंत्रम, बंध मोक्षकर यंत्रम, निगण मोचन यंत्रम, भव मोचन यंत्रम, डाक सेना भगाने का यंत्र, प्रेत दूर करने का यंत्र, प्रेत दूर करने का पलीता यंत्र, प्रेत दूर करने का पलीता यंत्र होता है जो दोस्तों पलीता बना करके दीप में तेल डाल करके उसको जलाया जाता है, और जिसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी या कोई भूत प्रेत या कोई गलत चीज़ रहती है तो उसको उसकी लव को देखने के लिए बोला जाता है, क्योंकि जैसे जैसे उसकी लव को देखता है वैसे वैसे उसके ऊपर जो बुरी शक्ति होती है वो जलना स्टार्ट हो जाती है। और आगे छाया भस्म करने का, जुआ जीतने का यंत्र, इसके बाद है पानी बंद करने का, सर्प विष का विष नाशक यंत्र, मसान दूर करने का, चिकलबाई दूर करने का, दूर सर्प नाशक यंत्र, विघ्न नाशक यंत्र, सर्व रक्षा यंत्र, बर्तन फोड़ने का, राशि मन प्राप्त करने का, नजर लगने का, बलाय दूर करने का, अधशीसी नाशक, दिन ज्वर नाशक, एक तरह ज्वर नाशक, अकाल मृत्यु निवारण, अंबिका देवी प्रसन्नता का यंत्र, कालिका देवी प्रसन्नता का यंत्र, हनुमान की प्रसन्नता का यंत्र, बहुत ही अच्छे देवी प्रसन्नता का यंत्र, लिंग गदहा छिड़ी प्रसन्नता का यंत्र, चक्रवर्ती वशीकरण यंत्र, चतुर उच्चाटन यंत्र, गई वस्तु पाने का यंत्र, प्रसिद्धि प्राप्ति का यंत्र, तिसाटन का यंत्र, क्लेश होने का यंत्र, नजर न लगने का यंत्र, प्रीति उत्पादक यंत्र, प्रीति नाशक यंत्र, प्रीति नाशक दूसरा यंत्र, तिजारी का सुख प्रसव, शीत जो है विद्या बुद्धि, सर्वोपरि वशीकरण, पुरुष वशीकरण, स्त्री वशीकरण, सर्वजन वशीकरण, पति वशीकरण, वशीकरण यंत्र, स्त्री वशीकरण यंत्र, वशीकरण यंत्र, शत्रु वशीकरण, सर्वजन वशीकरण, स्त्री मोहन, सर्वकार्य सिद्धि के कई यंत्र दिए गए हैं, मनोर अभिलाषा पूर्ति के बहुत सारे यंत्र दिए गए हैं, फिर प्रयोग विधि के बहुत सारे यंत्र हैं, वचन सिद्धि के यंत्र हैं, रति स्तंभन का यंत्र, राज सम्मान प्राप्ति के यंत्र, सभा सम्मान, देवता को प्रसन्न करने का, सुख प्राप्ति का यंत्र, बुद्धिवर्धक के दो यंत्र हैं, बोध प्राप्ति व्यवहार घनिष्ठता का यंत्र है, तीन यंत्र हैं, स्त्री विघ्न नाशक, कष्टमुक्ति यंत्र, भयनाशक यंत्र, पीड़ा नाशक, शत्रु भ्रामक, शत्रु विनाशक, शत्रु बल नाशक, शत्रु के शरीर को गलाने का यंत्र। दोस्तों शत्रु के शरीर को गलाने का जो यंत्र है उसका काट बहुत ही मुश्किल है, और इसको किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी के ऊपर हो जाता है तो इसको मतलब काटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अच्छे से अच्छा तांत्रिक और बड़े से बड़ा तांत्रिक भी इस चीज़ को नहीं काट सकता, तो इसको कृपया ना करें किसी के ऊपर, क्योंकि वो पाप का भागीदार बनता है। शत्रु का मुंह सुझाने का, शत्रु का मुंह सुझाने का, शत्रु का शरीर सुझाने का यंत्र, ये शत्रु की छाती फटने का यंत्र, शत्रु मारण यंत्र के दो यंत्र हैं यहाँ पर है, शत्रु का शरीर फटने का यंत्र, कान न दुखने का, नाक चलने का यंत्र, सुल चलाने का यंत्र, आधा शीशी का यंत्र, धनंजय वायु का यंत्र, धावरा रोग नाशक यंत्र, धावरा रोग नाशक, अधूरा गर्भ जाने का यंत्र, सूल होने का यंत्र, देह पे भय नाशक यंत्र, बड़क वाय जाने का यंत्र, कांच निकलने का यंत्र, नजर न लगने का यंत्र, कोख बंद होने का यंत्र, स्तंभना पकने का यंत्र, घर में सर्प आने का यंत्र, घर में सर्प आने का भूत सर्प, भूत प्रेत भयनाशक यंत्र, भूत प्रेत भयनाशक यंत्र, भूत न लगने का यंत्र, बाल भयनाशक, सिंह भगाने का, कला होने का, विरोध होने का, पुष्ट बुद्धि नष्ट होने का, स्त्री दुग्ध नाशक, नपुंसक सत्ता कारक, काम काम नाशक, बोध प्राप्ति का,
आम पर अधिक फल लगने का इंद्र, अनार पर अधिक फल लगने का अधिक, फुलाने का फूल, सुखाने का स्वप्न, मूट दिखने का स्वप्न, मूट स्वप्न में वानर दिखने का, स्वप्न में भूत दिखने का, और दिन की रात दिखाई देने का, गए मनुष्य के लौटने का, गए मनुष्य के लौटने का, गए पशु के लौटने का, सब पशु पक्षियों के आने का, अश्वमारण गधे के द्वारा मारने का यंत्र, थाई के द्वारा मनुष्य के लड़ने का यंत्र, शुक्र स्तंभन यंत्र। शुक्र स्तंभन मतलब जब आदमी सेक्स करता है तो अपने मतलब वीर को बांध देता है, और मशान जगाने का मतलब शीघ्र पतन का इलाज है, ये समझ लो। मशान जगाने के अंदर स्त्री के बिछवा छुड़ाने का, नाड़ा टूटने का, अंदर अन्न के सड़ने का, डाकनी आने का, चूहे के सब कपड़ों की रक्षा का, कुत्ता भौंकने का, कमान ना चढ़ने देने का, ठठेरे की भट्टी में तनाव ना आने देने का, उसके बाद रोग ना आने देने का, चाक से बर्तन ना उतरने का, भट्टी फूटने का, ढोल फूटने का, हाट उजड़ने का, जीवन में जीतने का, पित्ती का यंत्र, आधा शिशी का, रोगी की पीड़ा का, अन्न अधिक उपजाने का, कष्ट स्त्री का, नजर लगने का, जुआ जीतने का, बैरी के जूता मारने का, बैरी के घर में कलह होने का, अस्वस्थीकरण गाय का यंत्र, दुकान में माल बिक्री होने का यंत्र, स्वप्न आने का यंत्र, सर्वकार सिद्धि यंत्र, मनोवांछन फलदाता या मनोरथदाता यंत्र, कामना सिद्धि यंत्र, कष्ट स्त्री के लिए यंत्र, फिर शीतला का यंत्र, तिजारी का यंत्र, सूढ़ी की पीड़ा का यंत्र, वशीकरण, छुहारे का गुण यंत्र, हौल दिली का यंत्र, बहत्तर का यंत्र। दोस्तों आपने 15 का यंत्र बहुत सुना होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए 72 का यंत्र आपने पहली बार सुना होगा मेरे चैनल पर, मेरे वीडियो में। तो जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो इस कोई भी वीडियो आप तक देख पाएँ। सबसे पहले बालाजी का यंत्र, बाल रक्षा यंत्र, भैंस का यंत्र, शत्रु को दुखी करने का यंत्र, शत्रु को नष्ट करने का यंत्र, गए हुए मनुष्य को लौटाने का यंत्र, सर्वजन वशीकरण यंत्र, सर्व राजा प्रजा वशीकरण, शास्त्र शुरू वशीकरण, वशीकरण यंत्र, गर्भ स्थिति का यंत्र, बंधन छूटने का, धर्म न डिगने का यंत्र। फिर यहाँ पर है पेट का दर्द दूर करने का, दोनों प्रकार की बवासीर, चेचक पर प्रति उत्पन्न वशीकरण यंत्र, बच्चे का रोना बंद करने का, स्त्री वशीकरण, कैदी को छुड़ाने का, चूहे भगाने का, बच्चे का बहतु कुंडल, शत्रु वशीकरण, व्यापार, फिर अखाड़ा स्तंभ, मान भूतादि जो सम्मान, वाचा सर्व सिद्धि, दो मित्रों विरोध कराने का, स्वामी वशीकरण, वीर पुरुष वशीकरण, मसान का भय दूर करने का, टिड्डी से रक्षा कर, सूढ़ी की पीड़ा न पूछ सकता, काले कवे का यंत्र, वशीकरण यंत्र। ये थी दोस्तों हमारा विषय क्या क्या है। अब यहाँ से शुरू होता है प्रयोग विधि। दोस्तों लास्ट तक बने रहिए, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किसी कोई महर्षि थे जो अपने हाथों से लिखे थे एक पांडुलिपि यंत्र साधना की, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ आज पहली बार, कोई नहीं दिखाएगा। लास्ट तक बने रहिए, ये किताब है, और किसी को चाहिए तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कॉल मैसेज करो, मैसेज पहले करो, कॉल करने की कोशिश कम ही करो, क्योंकि बहुत बिजी रहता हूँ। और इसके बाद से चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पांडुलिपि यंत्र सिद्धि साधना की। ये हमारा इसका हो गया लास्ट पेज, चलिए दोस्तों दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो दोस्तों ये है वो चीज जो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए बोल रहा था, ये है वो दुर्लभ और अद्भुत चीज जो आप लोगों को कहीं नहीं देखने सुनने को मिलेगा, चामुंडा यंत्र पूजन विधि, जो कोई महर्षि थे उन्होंने अपनी पांडुलिपि में इसको लिखा था, और ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अगर किसी को चाहिए तो मैसेज कर सकता है, व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। और इस चीज़ को पाने के लिए जो आज गुरु बनकर के बैठे हैं ना, उनको भी 1000 बार सोचना पड़ेगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय।